हेलो फ्रेंड्स, ओपन योर मैथ्स विजडम वर्कबुक एंड गो ऑन पेज नंबर 72। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5G सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स हमने देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं रो कॉलम में लिख के, ये हमने देखा है। उसमें 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना, उसके रूल्स हमने देखे हैं। अभी इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं जो आपको समझने हैं, और मल्टीप्लिकेशन की है तो आपको किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम्स देखे थे सेम उसी तरह से ये प्रॉब्लम्स है, ओनली इनको समझना है। इन अ सोसाइटी अ ब्लॉक हैज़ 172 फ्लैट्स, हाउ मेनी फ्लैट्स विल 15 सच ब्लॉक्स हैव। एक ब्लॉक को, एक सोसाइटी है जिसमें एक ब्लॉक को 172 फ्लैट है, तो ऐसे अगर 15 ब्लॉक्स होंगे तो कितने फ्लैट्स रहेंगे। ओके, तो हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। हम क्या करेंगे, 172 इंटू 15 करेंगे। यहाँ पर 172 इंटू 15 हमने लिखा है। अभी 5 से 271 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर 1 से इन तीनों को फिर से मल्टीप्लाई करना है। 5 2 10, 10 के लिए 0 लिखे, 1 कैरी। 5 7 35, 35 + 1 36, 6 लिखा है, 3 कैरी करेंगे। और 5 1 5, 5 + 3 8। अभी 1 जो ओंस पर था उस डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया है, अभी हमें टेंस पर का जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है 1 से। हमें रूल पता है कि इसलिए यहाँ पर 0 लेंगे, क्योंकि हम टेंस के प्लेस पर के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी 1 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। 1 2 2, 1 7 7, 1 1 1। ओके, अभी इनके हमें एडिशन करनी है, तब वो फ्लैट्स की क्वांटिटी हमें मिलेगी। 0 7 + 6 + 2 8, 8 + 7 15, 1 कैरी किया, 1 + 1 2580 फ्लैट्स। नाउ नेक्स्ट, सृष्टि रीड्स 15 पेजेस ऑफ अ बुक इन 1 आवर, हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 23 आवर्स। एक घंटे में सृष्टि 15 पेजेस रीड करती है, पढ़ सकती है, तो 23 आवर्स में वो कितने पेज पढ़ेगी एक बुक के। अभी 23 × 15 करेंगे, 23 × 15, 5 3 15, 1 कैरी, 5 2 10, 10 + 1 11, 0, क्योंकि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, अभी 10 से करना है तो 10 के नीचे आंसर आना चाहिए। 1 3 3, 1 2 2, इनकी एडिशन, 5 1 + 3 4, 1 + 2 3। ओ 23 आवर्स में 345 पेजेस पढ़ सकती है उस बुक के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इफ अ डे हैज 24 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स डज मंथ हैव। जनरली मंथ में 35 डेज हमें यहाँ पर कंसिडर करने हैं। 1 डे को 24 आवर्स होते हैं, तो 31 डेज में कितने आवर्स होंगे। 31 × 24 करने पर हमें उसका आंसर मिलेगा। देखिए, फर्स्ट हमें ओन्स प्लेस पर जो 4 है उससे 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, 4 3 12, यहाँ पर 0 लेना है क्योंकि हम टेंस प्लेस पर के नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 2 1 2, 2 3 6, 4 4 7, इनके एडिशन की हमने। फोर्थ, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट, एक मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम बीट्स करता है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट बीट इन 72 मिनट्स, एक मिनट में 72 टाइम्स करता है, तो 72 मिनट्स में कितने टाइम करेगा। जब 72 × 72 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा। देखिए, 72 × 72, 2 2 4, 2 7 14, यहाँ पर 0, 7 2 14, 4 लिखे, 1 कैरी, 7 7 49, 49 + 1 50। अभी यहाँ पर एडिशन करनी है, 4 8 1 5,
ये हो गया प्रोडक्ट। यस फिफ्थ क्वेश्चन, रुचि डोनेट्स 25 एप्पल्स वंस इन अ वीक टू द ऑर्फनेज। एक अनाथालय को रुचि नाम की लड़की हर हफ्ते 25 एप्पल्स देती है, डोनेट करती है। हाउ मेनी एप्पल्स विल शी डोनेट इन 4 मंथ्स। अभी एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीक्स मीन्स 4 4 जा और 4 मंथ में 4 4 जा 16। तो फिफ्थ का हमें क्या करना पड़ेगा, 25 × 16, 4 4 जा 16, सॉरी हाँ, हमने 16 क्यों किया, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं और ऐसे 4 मंथ तो 4 4 जा 16 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 16 लिया है। 6 5 जा 30 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, 0, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 0, 5 + 5 10 के लिए 0, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 400 एप्पल्स वो देगी। नाउ सिक्स, अ बैग ऑफ व्हीट वेज 24 किलोग्राम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 125 सच बैग्स। 121 गेहूं के जो बैग है, थैली है, उसका वजन 24 किलोग्राम है। अगर ऐसे 125 बैग्स होंगे तो उनका वेट कितना रहेगा ऑल टुगेदर। 125 × 24 करेंगे हम, 4 5 जा 20, यहाँ पर 0, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 + 2 सॉरी, 4 5 जा 20, 20 के लिए 0, 2 कैरी किया, 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 10 के लिए 0, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 + 1 5। अभी 0 देना है क्योंकि हमने वंस नंबर से मल्टीप्लाई किया, 10 से कर रहे हैं। 2 5 जा 10, 10 के लिए 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 1 जा 2। अभी इनकी करनी है एडिशन, 0 0, 5 + 5 10 के लिए 0, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3000 किलोग्राम होगा उसका वेट। 7, द कॉस्ट ऑफ अ पेन सेट इज ₹234, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 सच सेट। पेन के एक सेट की प्राइस 234 है, तो ऐसे 15 सेट अगर आपके पास होंगे, आपको लेने हैं, तो उसकी प्राइस, उसके रुपीज़ कितने होंगे, तो हमें 234 × 15 करना पड़ेगा, 234 × 15, 5 4 जा 20, यहाँ पर 0, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 15 + 2 17, यहाँ पर 1 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 + 1 11। अभी 0 देना है, एक नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो अभी 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, प्लस 0, 7 + 4 11, 1 लिया, 1 कैरी, 2 + 3 5, और 1 + 2 3, ये आंसर है। ओके, 8, देयर आर 42 बसेस इन अ स्टैंड। एक बस स्टैंड में 42 बस है, ईच बस हैज 52 सीट्स इन इट। हर एक बस में 52 सीट्स है। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन ट्रैवल इन 42 बसेस। अगर 42 बसेस है और हर एक बस में 52 सीट्स है बैठने के लिए, तो इन 42 बस में कितने पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं, प्रवास कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, ना, तो 42 × 52 करना है हमें, तो हमें इसका आंसर मिलेगा 42 × 52, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 लिखा, 5 2 जा 10, 0, 1 कैरी किया, 5 4 जा 20, 20 + 1 21, इनकी एडिशन करनी है, 4 8 1 2। ओके, ऑल टुगेदर 42 बसेस में 2184 पैसेंजर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 9th नंबर का प्रॉब्लम, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 325 मिल्क कैंस इन एन आवर। एक आवर में, एक घंटे में 325 मिल्क्स के कैन फैक्ट्री बना सकती है। हाउ मेनी मिल्क कैंस विल इट प्रोड्यूस इन 21 आवर। तो 21 आवर में कितने कैंस बनाए जा सकते हैं, इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, 325 × 21, 1 5 जा
5, 1 2 2, 1 3 3, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर मल्टीप्लिकेशन में आता है। अभी 0 दिया हमने 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से, अभी 2 से 5, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, 0 लिखा 1 कैरी, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 3 6, अभी एडिशन करनी है, 5 2 8 6, 24 आवर्स में 6825 कैंस बनाए जा सकते हैं उस फैक्ट्री में। 10th है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज रुपीज 475, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 सच चेयर्स। एक चेयर की प्राइस 450 रुपये, मीन्स 475 रुपीज है, तो ऐसे 12 चेयर, अगर 12 चेयर लेने हैं तो कितने रुपीज होंगे उसके, कितने रुपये देने पड़ेंगे। अभी 475 इंटू 12 करेंगे तब कितने रुपीज़ होंगे, वो हमें एडिशन में मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में उसका प्रोडक्ट आएगा उतना, 2 5 10, 10 के लिए 0, 1 कैरी, 2 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 के लिए 5, 1 कैरी, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 0, 1 5 5, 1 7 7, 1 4 4, अभी इनके एडिशन, 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 10 प्लस 7 17, 1 कैरी, और यहाँ पर 5700। सो जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन के इसके पहले वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए, रूल्स वही है, ओनली हमें वो वर्ड में दिए हैं, आपको उस सेंटेंस का मीनिंग समझना है और मीनिंग समझ के उसका आंसर आपको निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर ऑलरेडी दिए हैं, आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी अप्लाई करनी थी। आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो मल्टीप्लिकेशन लेसन है हमारा, उसका जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वीडियो है, जितने भी हमारे वीडियो है, आपको मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए और टोटल वीडियो की स्टडी करना ज़रूरी है। अगर आपका बेस ही अगर फिट नहीं है तो आपको अगले जो वीडियो है वो समझ में नहीं आएंगे। शुरू के वीडियो में डीप में अच्छी तरह से 1 1 पॉइंट सॉल्व करके समझा के दिया है, इसलिए हमने अभी अच्छी तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हो वो वीडियो देखने के बाद। अगर आप डायरेक्ट अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू के वीडियो देखने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के, इसके पहले के 2-3 वीडियो, जिससे आपकी मल्टीप्लिकेशन की जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको नोटबुक में अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज 5th जी जो है वो सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।